नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टाइम्स.com और मैं हूं रविकांत कुमार। कोसी टाइम्स समाचार के इस बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मधेपुरा में एनएमसी बिल के खिलाफ आईएमए मधेपुरा के द्वारा निजी स्वास्थ्य संस्थानों की ओपीडी सेवा को बंद कर विरोध जताया गया है। निजी स्वास्थ्य संस्थानों के चिकित्सकों ने इस बिल को गरीब विरोधी और अमीरों के हितैषी बताया। आईएमए जिला उपाध्यक्ष सर कोसी प्रमंडल सचिव डॉक्टर एसएन यादव और जिला सचिव डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार गरीब विरोधी हो गई है। एनएमसी बिल के तहत सभी मेडिकल कॉलेजों में अब सरकार का कुछ नहीं होगा। वहाँ 50% सीट पर कॉलेज की मर्जी चलेगी, जिसे अब डॉक्टर बनने के लिए नामांकन की बोली लगेगी और गरीब आदमी बोली लगाने जाएगा नहीं तो फिर वो डॉक्टर कैसे बनेगा। उन्होंने कहा कि अगर अविलंब इस बिल को खारिज कर इसमें सुधार नहीं किया गया तो आईएमए के द्वारा चरणबद्ध और उग्र आंदोलन किया जाएगा। अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। गरीब विरोधी है, विद्यार्थी विरोधी है और कॉलेज विरोधी है, बिल्कुल स्टूडेंट विरोधी है। इसलिए कि प्राइवेट मेडिकल खोलने के लिए इसमें एक कमीशन बनेगा 25 आदमी का, जिस कमीशन को लीड करेंगे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार के, और वो नॉमिनेट करेंगे आदमी अपने जनता इसको मेंबर्स को। अब नॉमिनेट किसको करेंगे, वो इसमें कोई डॉक्टर है या नहीं है इसका कोई किसी को पता नहीं। किसी ब्यूरोक्रेट कर सकता है, पॉलिटिशियन कर सकता है, वही लोग अब मेडिकल साइंस चलाएगा। मेरठ कॉलेज खोलने के लिए, प्राइवेट मेडिकल खोलने के लिए उन्होंने छूट दे दी, इसलिए गवर्नमेंट मेडिकल की यहाँ कमी है। अभी कम से 500 में 279 प्राइवेट कॉलेज, और इस बिल से क्या हुआ है कि 50% सीट जो है प्राइवेट कॉलेज को दे दिया जाएगा। तो अपना लूट लो, जितना लेना है पैसा लगाओ, गरीब विद्यार्थी कहाँ जाएगा। उसके बाद दो इसमें एग्जाम होंगे, इस अनुसार नीट और नेक्स्ट हुआ नेशनल एग्जिट प्रोग्राम टेस्ट। MBBS पास करने के बाद भी आपको परीक्षा देनी होगी, पास करना होगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। यदि उस MBBS कर लिया विद्यार्थी, यदि वो कहीं नहीं पास कर सकता, 50% विद्यार्थी ऐसे मर जाए, कहीं उसको जगह नहीं मिली, प्रैक्टिस तक नहीं कर सकता है। ये बिल जो है सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, एरिस्टोक्रेट्स के लिए है, जो कि अभी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कौन चला रहे हैं, सिर्फ नेता सब चला रहे हैं। इसका पैसा है, उसको और पैसा लूटने की खुली छूट मिल रही है सरकार से, इसलिए हम लोग इसका विरोध अंत तक करेंगे। आगे सर, अगर इस बिल में बदलाव नहीं आया तो आगे क्या रणनीति है? आगे हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर बंद करना चाहेंगे, उससे भी यदि नहीं होगा तो जेल भरो अभियान करेंगे, उससे भी नहीं होगा तो पार्लियामेंट घेराव करेंगे। यहाँ तक हो जा सकते हैं। थैंक यू सर। इतना ही, चलते चलते एक छोटी सी अपील, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे फेसबुक पेज कोसी टाइम्स को लाइक कर दीजिए। खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल कोसी टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हमारी जो भी खबर होगी तुरंत आप तक पहुंच पाएगी। और इसके साथ साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.कोसीटाइम्स.com पर लॉगिन भी कर सकते हैं।